पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय अपने स्थापना का 63वां वर्षगांठ 1 मई को मना रहा है, जिसके तहत विश्वविद्यालय में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्थापना के संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने कहा कि पूर्वांचल में एकमात्र विश्वविद्यालय की स्थापना 1957 में की गई थी, जो आज पूरे देश में अपना परचम लहरा रहा है। यहाँ का शिक्षा का स्तर उच्च कोटि का है। यहाँ कई शोध संस्थान की स्थापना की गई तथा नैक मूल्यांकन के साथ विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने कहा, विश्वविद्यालय 1957 में खुला था, तब से लेकर अब तक 63वां स्थापना दिवस मना रहा है। पंत भवन में इसकी प्रारंभ हुई थी, तब से लेकर विश्वविद्यालय ने हमारे पूर्वांचल में, इस देश में और विश्व में भी अपना एक विशेष स्थान बनाया है। स्थापना के समय से ही विश्वविद्यालय एक आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ, जिसमें परिसर में ही हमारे लगभग 400 शिक्षक अध्ययन अध्यापन का काम करते हैं। 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में हमारे विद्यार्थी रहते हैं, सारी विधाओं को मिला करके। और 250 एकड़ में बना हमारा कैंपस है। रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ बहुत अच्छी हैं, मकान मैक्सिमम शिक्षकों को मिल जाता है। हॉस्टल्स हमारे यहाँ 6 थे और विगत आने वाले वर्षों में 4 नए हॉस्टल और आ जाएंगे, तो हमें एक बच्चों को भी हॉस्टल की सुविधा प्रदान करने में सहायता मिलेगी, जिससे हमारा जो गुरुकुल वाला कॉन्सेप्ट होता था पहले कि विद्यार्थी वहीं आएगा, वहीं रहेगा, वहीं अध्ययन अध्यापन करेगा, वहीं खाना पीना खाएगा और गुरु के संपर्क में हमेशा बना रहेगा, उसी कॉन्सेप्ट से विश्वविद्यालय चलता रहा है। आने वाले सालों में विश्वविद्यालय अपनी ख्याति के अनुसार और बेहतर करेगा। विगत वर्षों में शिक्षकों की कमी थी, वो पूरी कर ली गई है। रिसर्च स्कॉलर्स का टेस्ट नहीं हो पाया था कई सालों से, 7-8 सालों से वो बंद पड़ा हुआ था, वो भी इस साल ऑनलाइन टेस्ट कराया गया विश्वविद्यालय के द्वारा। विश्वविद्यालय किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा ये पहला ऑनलाइन टेस्ट कराया गया, जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस हुआ और लगभग 7,000 से ऊपर रिसर्च हेतु अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनकी जो क्वालिफाई करने वाले लड़के थे उनका इंटरव्यू चल रहा है। इंटरव्यू होने के बाद उनका साक्षात्कार के और रिटर्न के नंबर में डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, मेरी डिक्लेयर कर दी जाएगी। इसके बाद विभिन्न विभागों में हमारे विश्वविद्यालय परिसर में लगभग 30 विभाग हैं, 30 विभाग में लगभग 1,000 से ऊपर शोध छात्र भी आ जाएंगे, तो लगभग 150 हमारे शिक्षक गत वर्ष जो नए जुड़े हैं और प्लस 125 शिक्षक हमारे पहले से थे, तो 300 शिक्षक से हमारा परिसर जो है आबाद हो गया है। और उसके बाद 1,000 रिसर्च स्कॉलर्स भी आ जाएंगे, तो हमारा परिसर जो है एकेडमिक दृष्टिकोण से काफ़ी गुलजार हो जाएगा। हम लाइब्रेरी को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। विगत वर्षों में कुछ किताबें खरीदी गई थी, किताबें भी कई वर्षों से लंबित थी, नहीं खरीदी जा पा रही थी, और इस वर्ष उसको और बढ़ाएंगे। हम डिजिटाइजेशन पर जोर मार रहे हैं, बच्चों का हम ऑनलाइन अटेंडेंस लेने का इस बार हमने मॉड्यूल डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आगामी जुलाई सत्र से सभी बच्चों का हम ऑनलाइन अटेंडेंस लेंगे। अपने यहाँ छात्र जो पढ़ते हैं विश्वविद्यालय परिसर में, ऑनलाइन अटेंडेंस के माध्यम से हम सुनिश्चित करेंगे कि नियमित रूप से कक्षाएं उनकी हों, छात्र कक्षाओं में जाएं, छात्र अध्यापक कक्षाओं में जाएं। तो ये नवावेश हम करेंगे, जिससे कि विश्वविद्यालय के पठन पाठन का माहौल बेहतर हो, इसका एम्बियंस थोड़ा और बेहतर करेंगे, इसके सुंदरीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। लेबोरेटरीज हैं, लाइब्रेरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्टल की सुविधाएं हैं, इसके बारे में समय समय पर हम विवेचना करके उसको और सुविधा बेहतर करते चले जाएंगे। और जो हमारा देश का महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है, इसका मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो, और उसके लिए हमारा विशेष प्रयास है। मुख्य प्रयास हमारा रहेगा कि हम UGC का नैक एक्रेडिटेशन करा सकें, और नैक एक्रेडिटेशन के लिए अगर हम कराने में सफल हो जाते हैं और ए ग्रेड अगर उसमें हमें मिल जाता है, UGC द्वारा एक्रेडिट हो जाते हैं ए ग्रेड के रूप में, तो अगली हमारी जो प्रयास होगा उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का प्रयास होगा, जिसके लिए अति आवश्यक है कि हम नैक करा करके अच्छे ग्रेड को प्राप्ति करें, ताकि हम केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ अग्रसर हो सकें। और
अन्य जितनी भी हमारी समस्याएं हैं जो डेली रूटीन पे हैं, एक मैकेनिज्म डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं कि स्वतः उनका निस्तारण होता रहे। और हमें इस हेतु हमारे यहाँ के शिक्षकों का, यहाँ के कर्मचारियों का, यहाँ के अधिकारियों का, छात्रों का विशेष सहयोग मिलता रहा है पिछले 2 वर्षों में जो मैंने पाया है। और सब अच्छे हैं यहाँ पे, यहाँ के छात्र बहुत अच्छे हैं, शिक्षक जो पुराने थे वो प्लस जो नए आए हैं नई ऊर्जा से भरपूर हैं, सब बहुत ही अच्छे हैं। तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि हमारा विश्वविद्यालय जो विश्व के अग्रणी विश्वविद्यालयों में शामिल ना हो सके। इसका एलुमिनाई बेस बहुत अच्छा है, पिछले 60 सालों में यहाँ पे बहुत अच्छे बच्चे निकल के विभिन्न क्षेत्रों में अपने कार्यरत हैं। अभी इस साल हमें हमारे संगीत के हमारे आचार्य को पद्म भूषण भी मिला है, जिसको हम लोगों ने सम्मानित किया। कई शिक्षकों को हमारे जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभूषित किया गया है। जो नई फैकल्टी आई है उन्होंने भी काफ़ी सारे स्टार्टअप ग्रांट, इनोवेशन ग्रांट और DST के ग्रांट ले आए हैं। पहले साल में इनकी उपलब्धि सराहनीय है। तो ये लगता है कि इस तरह का आने वाला भविष्य बहुत ही सुनहरा है। मैं सबको इसके लिए शुभकामनाएँ देता हूँ।